आइए तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A, राइट। मेसर्स गौरव प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टू प्रोडक्ट्स ब्लैक एंड व्हाइट एट सेलिंग प्राइस 20 और 30 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ईयर का सेल स्ट्रेटेजी दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 19-20। सेल्स प्लान किया गया ब्लैक का 81 लाख एंड व्हाइट का 54 लाख, राइट। दोनों का प्राइस को 10% 10-20% से गिराया गया है। ब्लैक का प्राइस को 10% से, व्हाइट का 20%। ब्रेक इवन सेल 70% में, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% में है। प्रॉफिट इतना मेंटेन करने बोला है, दोनों दोनों प्रोडक्ट का दे दिया है। दिस वुड बी पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग द प्रेजेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ 42 लाख, फिक्स कॉस्ट ऑफ 42 लाख। 22 लाख ब्लैक में है, 20 लाख व्हाइट में है। तो पहले तो बोला है, मतलब इतना प्रॉफिट पॉसिबल है बाय रिड्यूसिंग इतना फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन जो जनरेट होता है ना उससे जब आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो दिस इज द प्रॉफिट हुआ था। और ये मेंटेन भी करना है, मेंटेन करना है मतलब हुआ था बोल के मेंटेन करना है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 और एनी अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव द डिजायर्ड परसेंट मेंशनड इन पॉइंट 4 अबव। तो देखिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आपको ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो बोला है ब्रेक इवन के लिए, तो दोनों सेल्स दिया हुआ है दोनों प्रोडक्ट का 19-20 का, उसका 70% ब्रेक इवन है। डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन भी आ जाएगा, रुपीज में भी आ जाएगा, राइट। आ जाइए, सो इसका जो पार्ट वन है उसका आंसर हम लोग कर सकते हैं ब्लैक व्हाइट, ठीक है। सेल्स कितना दिया हुआ है, एटी वन लैख और दिया हुआ है 54 लाख, ठीक है। नंबर टू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इस साल वाला लेंगे 20 रुपीज़ में, अगर 10% डिस्काउंट होगा तो 18 पर यूनिट, और 30 रुपया में अगर 20% डिस्काउंट होगा तो आएगा 24 पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 81 लाख डिवाइड बाय 18 करिए, और यहाँ पे 54 लाख डिवाइड बाय 24, तो दोनों प्रोडक्ट का नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। बताइए कितना कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 4,50,000 यूनिट्स, कितना 2,25,000 यूनिट्स, ठीक है। नाउ पार्ट फोर विल बी ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स ही पूछा है ना, तो ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स कैसे आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा भैया। टोटल सेल्स में से अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएगा। अब इसका 70% ऑफ सेल्स, तो 70% ऑफ सेल्स, तो 4.5 लाख का 70% कितना होता है, 3,15,000 यूनिट, और इसमें 70% कितना होगा, 157,500 यूनिट्स। ठीक है,
डन। पार्ट टू में पूछा है कि फिक्स कॉस्ट को कितना से रिड्यूस करना है, तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस हिसाब से हमारा देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन जितना है उसमें से प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिकली अपने को आज देखिए जब सेलिंग प्राइस रिड्यूस होता है तो इसका प्रभाव कंट्रीब्यूशन पे पड़ता है, तो अपना कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हुआ। फिक्स कॉस्ट अगर सेम है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, बट यहाँ पे बोला है प्रॉफिट उतना मेंटेन करना है, मतलब फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अगर कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा तो अगर फिक्स कॉस्ट बीइंग कांस्टेंट तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर प्रॉफिट बीइंग कांस्टेंट तो फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना है। एंड फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कैसे होगा, रिट्रेंचमेंट कर देंगे या कोई भी और दूसरा तरीका खोजेंगे, 10 एम्प्लॉई या 8 में से काम चलाएंगे, जो भी है और भी बहुत तरीका होता है, राइट। तो अपने को ब्लैक वाइट, तो सबसे पहले तो पीवी रेशियो चाहिएगा, तब जाके गिवन सेल्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, नहीं तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा। उस कंट्रीब्यूशन से जो प्रॉफिट मेंटेन करना है उसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। सो द पोजीशन इज लाइक दिस, सबसे पहला प्रॉफिट कितना मेंटेन करना है, प्रॉफिट लिखा है 826,200, इसका मेंटेन करना है, ठीक है, और इसमें मेंटेन करना है 745,200। नंबर टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, अगर ब्रेक इवन सेल 70% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% ऑफ सेल होगा, है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 81 लाख का, तो आएगा ₹24,30,000 और इसका आएगा ₹16,20,000। नाउ पीवी रेशियो इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, सो आई कैन यूज प्रॉफिट बाय एमओएस इनटू 100, है ना। कितना आ रहा है 826,200 बाई 24,30,000, डिवाइड करो 826,200 डिवाइडेड बाई 24,30,000, 34% आ गया, राइट। और इसका कितना आ रहा है 745,200 डिवाइडेड बाय 46%, अभी हम लोग निकाल लेंगे ब्रेक इवन सेल रुपीज वाला, जो कि 70% ऑफ सेल्स है, तो 81 लाख का 0.7, 56,70,000 और 54 लाख का 0.7, 37,80,000। नाउ ब्रेक इवन सेल का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फिक्स कॉस्ट ना, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेल एंड उसका कंट्रीब्यूशन में खाली प्रॉफिट होता है, तो मेरा पीवी रेशियो आ गया, दैट पीवी रेशियो इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ सेल, तो उसको अगर अपने ब्रेक इवन सेल में यूज करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ना। तो करेंट सिनेरियो में अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट निकालना है तो ब्रेक इवन सेल इनटू पीवी कर देंगे, तो मेरा पहले सेकंड वाले का करते हैं इनटू 0.46, तो ये आएगा 17,38,800, राइट, और ये 56,70,000 का 0.34, तो ये आएगा 19,27,800, तो ये मेरा
वुड बी फिक्स कॉस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड बी। अर्लियर एफसी कितना है 22 लाख और 20 लाख, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉफिट। इसमें होगा 272,200। अर्लियर से वुड बी वाला माइनस कर दो तो मतलब इतना फिक्स कॉस्ट कम करना है, इसमें से 17,388,000, 261,200। Is that fine? समझ आ गया सबको? अगर मेरा सेलिंग प्राइस उतना ही रहता तो ये प्रॉफिट और ये फिक्स कॉस्ट ठीक था, लेकिन क्योंकि सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे आता है, मतलब प्रॉफिट पे नहीं डालो, फिक्स कॉस्ट कितना कम करना है ये बताओ। तो हम लोगों ने करके दिखा दिया, तो ये मेरा एक तरीके से न्यू फिक्स कॉस्ट है और ये वाला ओल्ड दिया हुआ है, तो न्यू माइनस ओल्ड किया, न्यू तो पता चल जाएगा कितना से सेविंग करना है। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बट थोड़ा ट्रिकी तो है ही। यूजुअली अपने देखते हैं जब भी पीवी रेशियो इफेक्ट होता था हमारा नया प्रॉफिट रिवाइज हो जाता है, बट यहाँ पे बोला प्रॉफिट मेंटेन करना है तो कैसे होगा? प्रॉफिट भी मेंटेन करना है, वॉल्यूम, यूजुअली क्या होता है प्राइस कम होता है, हम लोग देखा है प्राइस कम होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट? तो प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा, बट यहाँ पे समी ऑल टुगेदर है, बोलो बाकी कोई चीज चेंज नहीं हो रहा, पीवी रेशियो चेंज हुआ ठीक है, टोटल सेल दे दिया, उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इतना मेंटेन करना है, तो फिक्स कॉस्ट को कितना मेंटेन करना पड़ेगा। डन, फर्स्ट पार्ट में तो कुछ था ही नहीं, सिंपल था, नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा उसका 70% ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन 70% मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30%, प्रॉफिट इतना मेंटेन करना तो पीवी रेशियो है, वही पीवी रेशियो को ब्रेक इवन में यूज करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट है कितना, डिफरेंस सेविंग्स, सिंपल। अभी इसका ये वन था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5B। नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5B बोला है कॉम्प्रिहेंसिव एमएचआर। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव एमएचआर में अपने ओवरहेड के साथ साथ वेजेस भी ले लेते हैं, याद रखिएगा जब आप जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वेजेस विल नॉट बी कंसिडर्ड सेपरेटली। तो क्वेश्चन है मैसेज जाइना प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 29,14,800, उसका सैलवेज वैल्यू 15 लाख दिया एट द एंड ऑफ इट्स 15 ईयर्स लाइफ, ठीक है 15 साल लाइफ के बाद में उसका स्क्रैप वैल्यू दे दिया है। अच्छा, उसके बाद लिखा है ऑर्डिनरी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 4,500 घंटा पर एनम, बट 300 घंटा नॉर्मल रूटीन एंड मेंटेनेंस है, तो वो माइनस होता है हमारा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होल लाइफ का दिया डिवाइड बाय 15 करके एनुअल आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल पर एनम दे दिया, पावर कंजम्पशन निकाल लेंगे, और नो पावर ड्यूरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये अपने को नॉर्मल समय, ऑपरेटर का सैलरी दे दिया, इसीलिए अपने ओवरहेड में इसको ले लेंगे 1/3 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। बहुत सिंपल सा समय, एकदम बच्चा सा समय, स्टेटमेंट showing calculation of CMHR, याद है ना,
तो पहले एनुअल ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूडिंग वेजेस निकालेंगे। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन रुपीज़ 29,14,800 माइनस 1.5 लाख बाय 15 साल लाइफ है, राइट उसके बाद दूसरा रिपेयर्स 5,40,000 होल लाइफ का है। नेक्स्ट इंश्योरेंस 29,14,800 का सीधा 2%, ऑयल का खर्चा दे दिया 87,384, पावर बोला है 10 यूनिट 1 घंटा का और 7 रुपया यूनिट करके है, तो हिसाब से देखा जाएगा राइट 70 रुपया घंटा का हो गया। 1 घंटा में 10 यूनिट बिजली खाएगी और 7 रुपया यूनिट करके लगेगा, तो 1 घंटे का हो गया 70 रुपया इंटू 4200 आवर्स लेंगे। क्यों बोलो तो 4200 इसलिए क्योंकि 4500 घंटा में 300 नॉर्मल रूटीन एंड मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के टाइम में मशीन नहीं चलती है, हाथ कट जाएगा सफाई वाले का। ऑपरेटर की सैलरी है 24,000 इंटू 12 करूंगा इंटू 1/3 तो मेरा टोटल ओवरहेड आ जाएगा। आ जाइए 29,14,800 माइनस 1.5 लाख डिवाइड बाय 15 184,320 5,40,000 डिवाइडेड बाई 15 36,000 29,14,800 इंटू 0.02 58,296 70 × 4200 2,94,000 24,000 × 12 डिवाइडेड बाई 3 96,000 इन सब को जोड़ लीजिए प्लस 2,94,000 प्लस 87,384 प्लस 58,296 प्लस 36,000 प्लस 184,320 तो ये आ रहा है 7,56,000 आ गया ना। कुछ नहीं है, जितना इसको ज्यादा सोचना है सोचने रहिए आप लोग। इफेक्टिव मशीन आवर 4,200 घंटा तो CMHR आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए और क्या करेंगे
इज दैट फाइन? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5C. नाउ फाइव सी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम है और ये सम शायद मई 2018 या नवंबर 2018 में ऐसा सिमिलर सम आया था. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बोल दिया सितंबर में स्टार्ट हुआ है, मार्च ईयर एंड है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है. वेरी गुड. अच्छा मटेरियल सेंड टू साइड, वेजेस पेड एड आउटस्टैंडिंग कर देंगे, सैंडरी एक्सपेंस ठीक है, मटेरियल रिटर्न लेस हो जाएगा, प्लांट परचेस का डेप्रिसिएशन आएगा, सैलरी सुपरवाइजर का 1/3 आएगा, मेटल क्लोजिंग लेस कर देंगे. जो अनसुटेबल था उसका कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे. कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉफिट ही आता है. प्लांट दिसंबर में, मतलब सितंबर में सारा प्लांट आया, दिसंबर में 25,000 वाला दूसरा में चला गया और जनवरी में 32,000 वाला वापस स्टोर में चला गया. इसका मतलब ध्यान से निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन. ठीक है ठीक है. तो नाम क्या है? कोई नाम नहीं है. इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हमें बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. सबसे पहला आइटम आएगा टू मटेरियल कंज्यूम्ड. इश्यूड कितना है? इश्यूड बताइए कितना है? 18,75,000. इसमें से रिटर्न हो जाएगा 15. क्लोजिंग है 2,16,800. सोल्ड जो है ना उसका कॉस्ट प्राइस यहां से लेस कर देंगे. यस और नो? और कोई दूसरा तरीका है तो आप लोग बता दीजिए. तो 18,75,000 में -15, -10, -2, 16,800. 1,633,200. Is that fine? Two wages. 928,500 में 84,800 जोड़ दो. Outstanding वाला
84,800 आउटस्टैंडिंग वाला ऐड कर देंगे तो 10,13,300 सन्ड्री एक्सपेंसेस एज इट इज आएगा। डेप्रिसिएशन हमने नोट वन बना लेना है टू सैलरी 15,000 है 7 महीने का और 1/3 लेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 7 मंथ्स ही है इस साल तो ये हमारा आएगा 35,000। नोट वन डेप्रिसिएशन प्लांट है कितने का 3,75,000 ध्यान से देखिए प्लांट है हमारा 3,75,000 का ऑन रुपीस 25,000 फॉर 4 महीने क्योंकि दिसंबर में ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में चला गया इस कॉन्ट्रैक्ट में 4 महीना यूज हुआ ऑन रुपीस 32,000 फॉर 5 महीने क्योंकि इसको वापस रिटर्न कर दिया गया बैलेंस कितना 3,18,000 पे 7 महीना क्योंकि ये पूरा 7 महीना यूज हुआ है इसी तरीके से तो कहते हैं ना जो प्लांट जितना दिन यूज हुआ है उस हिसाब से बाकी का जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यूज हुआ है ठीक है परसेंट रेट है क्वेश्चन में बोल दिया है तो 25,000 का 15% इंटू 4/12 1,250 32,000 का 15% इंटू 5/12 2,000 राइट उसके बाद 3,18,000 का 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7 27,825 तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 31,075 Is that fine?
31,075 और तो कोई खर्चा नहीं है तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन कॉस्टल डेट बताइए देख लो भैया और कुछ खर्चा है क्या थर्टी फाइव थाउजेंड थर्टी वन थाउजेंड सेवेंटी फाइव 10133 37,46,400 पार्ट टू करिए आप लोग ठीक है बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नोट टू नोट थ्री सिमिलर प्रॉब्लम है नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा राइट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45 लाख है 50% तो 50% ऑफ 45 लाख दैट इज 22,50,000 अनसर्टिफाइड पहले परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालना पड़ेगा हम लोगों को ठीक है दैट इज वर्क कंप्लीटेड माइनस वर्क सर्टिफाइड दैट कम्स टू 2/3 माइनस हाफ 6 दैट इज 1/6 ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फाइन नाउ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आता है कॉस्ट टिल डेट बाय परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड
into percentage of WUC, that is 27,46,400 into 3/2 reciprocal into 1/6. बताइए ट्वेंटी सेवन फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड सिक्स एटी सिक्स सिक्स हंड्रेड, यही मेन पार्ट था जो हम लोग को पिछला एग्जाम में पूछा था, सेम सम 686 600. प्लस 22 लाख, वन 90,200 आ गया मेरा नोशनल प्रॉफिट. ठीक है,
आई है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू. आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू ए. राइट, सवाल पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उसका जवाब ढूंढेंगे. मेसेज अरिबा प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका 36,000. नॉर्मल मतलब अगर पूरा 100% काम किया तो 36,000 बनाएगा, मतलब महीने का हो गया 3,000. डायरेक्ट मटेरियल 40 करके, डायरेक्ट लेबर 30 करके, सब्जेक्ट टू मिनिमम 48. तो एक बात बताओ, 48,000 डिवाइड बाय 30 करो, जस्ट डू इट. 48,000 डिवाइडेड बाय 30 मतलब कम से कम 1600 यूनिट हर महीना प्रोडक्शन करना पड़ेगा. अगर आप 1600 के नीचे करते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू पे 48,000 मिनिमम वेजेस. फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स इतना है, वेरिएबल दिया दिया. सेमी वेरिएबल बोला है 108,000 पर एनम. 108,000 पर एनम डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 9,000 रुपये महीना. और 46,800 डिवाइडेड बाई 12, 46,800 डिवाइडेड बाई 12, 3,900. हर 20% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड है. सेलिंग ओवरहेड 8 पर यूनिट. ना हर रॉ मटेरियल में एक स्क्रैप यील्ड होगा जिसको आप 5 में बेच सकते हैं. तो इसका मतलब आप रॉ मटेरियल कॉस्ट 35 ले लीजिए सीधा. अपने लेस स्क्रैप करके दिखाते हैं ना, मटेरियल कंज्यूम में क्या करते हैं, पर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस रिटर्न माइनस स्क्रैप. तो अपने 35 नेट मटेरियल कॉस्ट. अच्छा, बोला है पहला 3 महीना 50% कैपेसिटी में काम होगा और बाकी 9 महीना 80% कैपेसिटी में काम होगा. वाओ, तो ध्यान से देखिएगा अपने को इसको कॉस्ट शीट को. अच्छा, पहला 3 महीना वाला सेलिंग प्राइस दे दिया. बोला है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल. ठीक है, और अपने को सेकेंड जो 9 मंथ्स में जो बेच रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस निकालना है. ठीक है, आइए. सो अपने क्या करेंगे, अपने कॉस्ट शीट को 2 पार्ट में तोड़ लेंगे. सबसे पहला तो नोट नंबर 1 बनेगा नॉर्मल कैपेसिटी दैट इज 100% है 36,000 पर एनम और 3,000 पर मंथ. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स 3,000 का 50% कैपेसिटी में काम हो रहा है और 3 महीना 3,000 तो मंथली है ना, तो आएगा 4,500 यूनिट्स. प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट 9 महीना 3,000 मंथली लेकिन 80% टका में काम हो रहा है इनटू 9 तो आएगा 21,600. इज दैट फाइन? तो ये नोट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, एकदम मस्त चाहिए नोट. हमारा 100% में 3,000 मंथली है तो 50% में कितना होगा? 50% में आएगा हमारा 1500 के हिसाब से, 50% का 1500 के हिसाब से 3 महीने का आएगा 4,500.
और 3000 का 80% हो गया 2400, तो 9 महीने का आएगा 21600। डन। अब अपने जो कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, वो पहला 3 महीने का और नेक्स्ट 9 मंथ्स का बनाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। एकदम ध्यान से, सबसे पहले लेना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट? नाउ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में कोई झमेला नहीं है, सीधा अपने को लेना है। कितना करके बोलिए तो 40 है ना, सीधा अपने 35 करके ले लेंगे, राइट? सो 35 × 2 4500, तो ये आएगा 157,500 और इसका आएगा 35 × 21,600। डायरेक्ट लेबर एट द रेट रुपीस, अच्छा डायरेक्ट लेबर का नोट नंबर 2 नीचे बना लो, फर्स्ट 3 महीना, नेक्स्ट 9 महीना, तो एट द रेट 30 पर यूनिट के हिसाब से कितना होता है? 30 के हिसाब से होगा 30 × 4500, 1,35,000 और आएगा इसका 21,600 × 30, 6,48,000 मंथली एट द रेट रुपीज 48,000 के हिसाब से कितना आएगा? 144 और इसका आएगा 432, तो वेजेस आ जाएगा मिनिमम इतना देना है, याद रखिएगा। तो इसमें 144 मिनिमम देंगे, इसमें जो बनता है वो देंगे। 30 रुपया पर यूनिट करके 4,500 यूनिट यहाँ पे है, तो उसका कितना बनता है? यहाँ पे
ठीक है। प्राइम कॉस्ट, थ्री जीरो वन फाइव डबल जीरो, चौदह लाख चार हजार प्लस फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स पार्ट जो है ना, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में ये तीनों निकालना है अपने को। तो फिक्स कितना बोला हुआ है? फिक्स बोला हुआ है 3,60,000 पर एनम, तो महीने का हो गया 30,000, तो 3 महीना वाला में तो 90,000 का आएगा और इसमें आएगा 2,70,000। ठीक है, वेरिएबल वाला में 10% पर यूनिट राइट तो इसमें आएगा 45 और इधर में आएगा 2,16,000। ठीक है, करते जाएंगे करते जाएंगे, होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपने को चाहिए वेरिएबल ना, 9,000 मंथली तो है ही। अगर हर 20% के लिए 3,900 मंथली और, अभी कैलकुलेट किया था ना, तो पहला वाला तो 50% में ही है ना, 50% ऑपरेशन में ही है, तो इसमें एडिशनल वाला नहीं आएगा। तो 9,000 महीने के हिसाब से सत्ताईस, इधर वाला में क्या आएगा? 9,000 तो है ही। अच्छा, 80% ऑपरेशन में है यहां पे, तो एडिशनल 50 के ऊपर 30 हो गया ना, तो अगर 20 पर पार्ट दे रहा हूं, तो 50 से 70 के लिए 3,900 बढ़ेगा, अब 70 के ऊपर के लिए भी 3,900, मतलब 9,000 तो था ही प्लस 3,900 हो गया 70 तक का, और पार्ट देर ऑफ में 80 है तो प्लस और 3,900, तो 16,800 मंथली हो गया इंटू 9। उतना कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, सीधा 151,200, खेल खत्म। आ जाएगा मेरा आप सभी का वर्क्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स बोला है, सीधा दिखा दीजिए। थ्री टू नाइन में डिवाइड कर दीजिए, और क्या फिक्स है ना, 3 महीना 9 महीना, तो 5, 18, 400 बोलिए कितना आ रहा है इसका टोटल बताइए। 463,500, वेरी गुड। ये वाला 2041,200, ठीक है, 3:9, 3 महीना 9 महीना में और क्या करना है, कितना आ रहा है, 129,600 और 388,800, वेरी गुड। तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताइए जोड़ के,
593,100. Very good. ₹24,30,000. प्लस सेलिंग ओवरहेड बोला है 8 पर यूनिट करके बोल दिया ना, तो यहां पे आएगा 36,000 और 21,600 × 8 172,800. ओके यार, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है जोड़ के बताइए. 24,30,000 प्लस 172,800 2602,800 593,100 प्लस 36,629,100. नाउ प्लस प्रॉफिट तो सेल्स, नाउ सेल्स तो खाली पहला 3 महीने वाला दिया हुआ है. पहला 3 महीने का सेलिंग प्राइस है 145, तो 4,500 × 145 652,500. राइट, जो भी आ रहा है उसमें से 629,100 माइनस कर दीजिए. तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर में 1 है. अभी तो पार्ट 1 हो गया. पार्ट 2 में बोला है कि टोटल प्रॉफिट कितना मेंटेन करना है, 876,600. तो 876,600 में, 876,600 में अगर 23,400 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है पहला 3 महीना में, तो बाकी प्रॉफिट हमको यहां जनरेट करना है. आया ना, प्रॉफिट टू बी अर्न्ड इन रिमेनिंग 9 मंथ्स. 876,600 में 23,400 हो चुका है, कितना आएगा, 853,200. तो यहां पे नोट 3, 853,200. तो मेरा नेक्स्ट 26,02,800 3,456,000. ये मेरा आ गया बैलेंसिंग फिगर सेकंड. आया ना, पहला 3 महीने का सेल दिया हुआ है तो प्रॉफिट आ गया. अभी टोटल प्रॉफिट एनुअल इतना मेंटेन करने बोला है, तो पहला 3 महीने में जो कमाया माइनस कर दो, बाकी 9 महीना में उसको पूर्ति करना है, तो उस हिसाब से मेरा सेल्स आ जाएगा. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा,
जो भी आ रहा है इसको डिवाइड कर दीजिए 21,600 से, 160 में एक एक माल बेचना पड़ेगा तब जाके मेरे को ये पूर्ति होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 34,56,000 डिवाइडेड बाय 160, सॉरी डिवाइडेड बाय 21,600 यूनिट, तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट 160 एज सेलिंग प्राइस। ये मेन है, ध्यान से देख लीजिए। इज दैट फाइन? आइए अब हम लोगों को क्या करना है, टू का बी करना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू बी, राइट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का समय साफ समझ में आ रहा है सबको, राइट। जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट ऐड करके अगर ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। तो इसमें सामने वाले का फिनिश, सामने वाले का जो भी स्टॉक रहता है उसमें मेरा वाला कंटेंट है तो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो उसी को हम लोगों को ध्यान से देखना है, राइट। तो फटाफट बना लेंगे हम लोग। ए बी को ट्रांसफर किया 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/4 ऑन सेल, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, और बी ट्रांसफर किया 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/5 ऑन सेल, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बनाएंगे प्रोसेस ए, है ना। तीन कॉलम बनता है, कॉस्ट प्रॉफिट, ये टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, राइट।
तो सबसे पहले बनेगा हमारा प्रोसेस ए अकाउंट. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में जो फॉर्मेट होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट. और सदियों से यही एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो चला आ रहा है. राइट तो इसमें जो भी वैल्यू रहता है उस पे अपने को लिखना पड़ता है ये कॉस्ट में है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना है. नाउ प्रोसेस ए का ओपनिंग स्टॉक 5000. नाउ प्रोसेस ए तो किसी से रिसीव नहीं कर रहा है तो ये पूरा का पूरा सेग्रीगेशन कॉस्ट में जाएगा. इसका डायरेक्ट मटेरियल 9000, हमने बाहर वाले से खरीदा है तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं है. टू डायरेक्ट वेजेस, बाहर वाले का है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इसमें नहीं है. राइट आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट 19 लेस क्लोजिंग स्टॉक. नाउ ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2000 और इसके क्लोजिंग स्टॉक में किसी का प्रॉफिट छुपा हुआ नहीं है तो 17 टू ओवरहेड तो ये आएगा मेरा प्राइम कॉस्ट. ठीक है ना, यहां पे ये स्टॉक मतलब WIP, इट इज वैल्यूड एट रेस्पेक्टिव कॉस्ट लिखा है. स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट अगर लिखता है एट वर्क्स कॉस्ट तो ओवरहेड ऐड करने के बाद अपने क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके दिखाते हैं. तो अब हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे बोलिए 2 फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 4600, इसमें कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है तो हमारा प्रोसेस कॉस्ट कितना आएगा 21600. राइट तो ये मेरा जो यूनिट्स ट्रांसफर हो रहा है उसका कॉस्ट आ गया. अभी इसमें प्रॉफिट ऐड होगा 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट. तो ये जो 21600 आ रहा है इसका 1/3 करो 7200 और ये जाएगा इधर प्रॉफिट एलिमेंट में. तो ऑटोमेटिकली बाय प्रोसेस बी में पूरा 28800 ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें 21600 कॉस्ट है 7200
प्रॉफिट है, राइट सारा डिपार्टमेंट अपना अपना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए ये लोग ट्रांसफर सेलिंग प्राइस में करता है प्रॉफिट ऐड करके। तो 21,600 में प्रॉफिट ऐड किया तो प्रॉफिट कॉलम में चला गया, तो 28,800 आ रहा है ट्रांसफर प्राइस, उसमें 21,600 ए का कॉस्ट है, 7,200 ए का प्रॉफिट है। अब बनेगा प्रोसेस बी अकाउंट, टोटल मतलब बी के हिसाब से, कॉस्ट मतलब कंपनी के हिसाब से, समझ में आ रहा है? मैंने आपको ये सब चीज बता दी है ऑलरेडी। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस बी में वैल्यू? 5,500। इसमें नीचे देखिए लिखा इंटर प्रोसेस, मतलब बी का जो बी जो माल बना रहा है वो ए से लेके बना रहा है ना, तो ए तो प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा है, तो बी का जो डब्ल्यू आई पी का जो वैल्यू है उसमें ए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 1,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी होगा 5,500 बी का कॉस्ट है, बी उसको अपने दाम पे दिखाएगा अपना प्राइम कॉस्ट पे, बट अपने यहां पे दो कॉलम बना रहे हैं, ए के केस में जो ए का है वही कॉस्ट टू कंपनी बिकॉज ए किसी से ले नहीं रहा, लेकिन बी के केस में जो बी का है वो कॉस्ट टू कंपनी नहीं है। राइट बेसिकली यहां पे कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू कंपनी, राइट? सिखाने का टाइम नहीं है, सिखाया हुआ है क्लास में, आपने बस खाली करना है ये, राइट? टू प्रोसेस ए से आएगा ना माल पहले, तो मेरे लिए कॉस्ट 28,800 लेकिन कंपनी के लिए कॉस्ट 21,600 क्योंकि उसमें ए का 7,200 का प्रॉफिट छुपा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल मेरे लिए जो 9,500 का है कंपनी के लिए भी 9,500 क्योंकि बाहर वाले से है। टू डायरेक्ट वेजेस मेरे लिए जो चीज 6,000 का है कंपनी के लिए भी 6,000 क्योंकि बाहर वाले का है। मेरे लिए आ गया 49,800, कंपनी का कॉस्ट आ गया इतना 8,200। ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2,490। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, तो 49,800 में 2,490 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक तो किस इसी प्रपोर्शन में, तो 49,800 में अगर 8,200 का प्रॉफिट है तो 2,490 में कितना प्रॉफिट होगा, राइट? सो कैसे करेंगे इसको अपने प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी। तो ध्यान दीजिए 8,200 टोटल प्रॉफिट है,
49,800 में उसमें से 2490 क्लोजिंग स्टॉक है, करिए कैलकुलेट करिए, इसी ने ऐसा ना क्लोजिंग स्टॉक बनाया, इसी माल से तो जो नहीं प्रोसेस हो पाया यही माल से तो बनाया ना, 8200 डिवाइड बाय 49,800 इनटू 2490 तो आ गया ये 410, तो कॉस्ट आएगा 2080। एकदम सिंपल है राइट, नीचे एस्ट्रिक मार्क देके समझाया हुआ है। तो ये आ रहा है 47310, हाँ उसके बाद ये वाला बताइए कितना, 39520, ठीक है, उसके बाद ये वाला 7790, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास। उसके बाद मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है भाई, 2030 2030, तो ये तो 7790 हो जाएगा, ये होगा 340, ये 41550, टू प्रॉफिट 1/4, मेरे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा 49340 में, प्रॉफिट ऐड होगा, ट्वेल्व थ्री थ्री फाइव बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 61675, उसमें 41550 कॉस्ट है, 20125 प्रॉफिट है, इज दैट फाइन, बोलिए बरोबर, हाँ अब हम लोग को बनाना है लास्ट फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, उसमें लिखा 4,000 प्रॉफिट है, तो मेरा कॉस्ट कंपनी का कॉस्ट आएगा, मेरा नहीं, मेरा कॉस्ट तो 10,000, उसमें दोनों का
मतलब समझ रहे ना, ए बी को प्रॉफिट चढ़ा के दे रहा है, बी हमको प्रॉफिट, तो डबल प्रॉफिट है, 4000 में ए का भी है बी का भी है। अकाउंट्स में एक टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, उसमें अपने फर्दर पीछे जा जाके देखते हैं हर एक डिपार्टमेंट का कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है। टू प्रोसेस बी कितना है, 61675, 41550, तो 20125। अच्छा, मेरा अपना कोई मटेरियल नहीं है, वेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो फिनिश स्टॉक अकाउंट हूँ ना, सीधा क्लोजिंग 5000 बोल दिया, ठीक है। तो 71675 47550 24125 लेस क्लोजिंग 5000, तो यहाँ पे डबल एस्ट्रिक ये वाला 24125 71675 में है, तो 5000 में कितना होगा, 24125 71675। क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा फिनिश स्टॉक अकाउंट के लिए बोल दिया, इज वैल्यू एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम बी, राइट। तो इसका मतलब यहां पे अपने को फीफो लगाना है फिनिश स्टॉक अकाउंट के लिए, तो ये वाला खाली लेंगे, ओनली दिस वन, तो 20125 61675 में है, राइट। कितना आ रहा है बताओ, 1631.53, ओके, तो 1632 ले लो, तो यहाँ पे 1632 ले लेंगे, तो माइनस करो 3368, वेरी गुड, सेवन फाइव, फोर फोर, 181, 22, 494, राइट। बाय सेल्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड, तो यहां पर इसका टोटल 75, इसका टोटल 75, टू प्रॉफिट, ऐसे ही तो करते हैं ना, आया ना, तो आएगा 83258325, तो 44181, 44181, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 44181, थ्री जीरो एट वन नाइन,
30819 लास्ट में तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि परसेंटेज वगैरह थोड़ी दिया हुआ है कोई। कुछ नहीं बोलेगा तो आप वेटेड एवरेज ले सकते हैं, बट यहाँ पे बोल दिया कि गुड्स रिसीव से बना है। Is that fine? तो इंटर प्रोसेस का सम ऐसा ही होता है। कुछ नहीं बोलेगा तो वेटेड एवरेज कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग जो क्लास में सम किया था उसमें इस तरीके का वर्डिंग नहीं लिखा था कि गुड्स रिसीव से बना है। Is that fine?